हेलो गाइज, नमस्कार। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः मैं राजकुमार सामान्य विज्ञान विषय के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारियां भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होंगी। तो इस बार खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि यह वैकेंसी केवल बीएड धारियों के लिए है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे बीएड के प्रशिक्षु बहुत अधिक मात्रा में जीएस की तैयारी नहीं कर पाते। तो आपकी इस चुनौती को, आपकी इन समस्याओं को, आपके इन समस्याओं के समाधान के लिए माननीय आलोक सर और मिस्टर रवि सर के कुशल निर्देशन में भारत के नंबर एक ऑनलाइन एजुकेशनल हब टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में बैच प्रारंभ है। दोस्तों, अगर आपको एडमिशन लेना है या एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो स्क्रॉलिंग नंबर पर आप संपर्क करें। नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उस नंबर पर आप संपर्क करें और हमारे काउंसलर आपसे कॉन्टेक्ट में आएंगे और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़े हुए हर एक प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आप एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि परीक्षा में तैयारी का मौका बार बार नहीं मिलता, समय बहुत ही कम मिल पाता है और अगर हम समय का सही उपयोग करें और सही पढ़ाई करें, सही दिशा में करें, सही निर्देशन में करें, टू द पॉइंट पढ़े, तो यह हमारे लिए बहुत ही सही सिद्ध साबित होगा। तो आज दोस्तों, मैं आपके लिए जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। तो श्वसन क्या है, श्वसन प्रक्रिया क्या है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है, सारे पॉइंट्स पर मैं आपसे विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन क्या है, श्वसन क्यों आवश्यक है, बहुत सारे पॉइंट्स। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, उन जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए श्वसन प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक होती है। अगर हम बात करें श्वसन प्रक्रिया की, तो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबोलिज्म और एक दोस्तों क्या होता है, कैटाबोलिज्म। तो हमारी श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, एक उपापचयी क्रिया है दोस्तों, और ध्यान देना, एक कैटाबोलिज्म क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं विनाशात्मक क्रिया, क्योंकि श्वसन क्रिया में भार में कमी आती है और यह क्या होती है, विनाशात्मक क्रिया होती है। अगर हम बात करें श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या बस वायु को ग्रहण करना या वायु को बाहर करना श्वसन कहलाता है। जी नहीं, श्वसन यह नहीं है। अगर हम कहें कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना श्वसन कहलाता है, तो जी नहीं, बिल्कुल यह भी श्वसन नहीं है। श्वसन प्रक्रिया होती क्या है, आइए एक बार आपसे हम डिस्कस करते हैं। श्वसन दोस्तों, श्वसन एक आक्षिकारक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा का क्रमिक अपघटन होता है सामान्य शरीर तापमान पर, जिसके परिणाम स्वरूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का प्रयोग हमारे सभी आंतरिक और बाह्य अंग 24 घंटे कार्य करने में लगाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन कहलाती है। ध्यान रहे, श्वसन एक आक्षिकारक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की
उपस्थिति या अनुपस्थिति में सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के की उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्रमिक अपघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका में ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच अभिक्रिया होती है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसे हम कहते हैं श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। और श्वसन को हम दो भागों में और बांटते हैं, अनाक्षी और आक्षी। तो इन सब बातों पर चर्चा मैं करूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। श्वसन तंत्र पढ़ने के बाद हम इसके सारे पॉइंट्स के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र क्या है, इसे पढ़ने का प्रयास करें। श्वसन तंत्र में बहुत सारे भाग होते हैं, इन सारे भागों पर हम आप सभी से विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस भाग का क्या कार्य होता है और प्रश्नों के बनने की संभावनाएं कहां से अधिक होती हैं। तो ध्यान रहे, सारे पॉइंट पर आपसे विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम इन सारे श्वसन अंगों को बनाते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों के आने की संभावना किस प्रकार से होती है और ये श्वसन अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सारे पॉइंट यहां हम विस्तृत में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां मैं श्वसन अंग को बना रहा हूं। और दोस्तों देखिए किस प्रकार से यह श्वसन अंग डिवाइड हो रहे हैं विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न भागों में। तो श्वसन तंत्र के अंदर हम लोग बहुत सारे भाग पढ़ेंगे कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है या कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे क्या होता है, लगातार प्रश्न बनते हैं कि कौन सा फेफड़ा हमारा बड़ा होता है और कौन सा फेफड़ा छोटा होता है। तो सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे बढ़िया से, और फेफड़े की क्षमता कितनी होती है वायु ग्रहण करने की, या यहां फेफड़े के अंदर प्रश्न यह बनता है कि डायाफ्राम कहां होता है, एल्वुलाई की संख्या कितनी होती है अर्थात वायु कोष्ठकों की संख्या हमारे फेफड़े में कितनी होती है। तो सारा कुछ जितना भी प्रश्न यहां से बनता है सभी प्रश्नों के बारे में बिल्कुल विस्तृत पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें श्वसन तंत्र की, यह लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। और अब इस अंगों के बारे में डिस्क्राइब करना है कि कौन सा अंग क्या है और उसका फंक्शन क्या है। प्रायः देखिए जो श्वसन तंत्र हमारा होता है, श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती, मैंने आपसे कहा एक होता है वाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। अगर हम बात करें वाह्य श्वसन की तो ध्यान देना फेफड़े के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचना और ऑक्सीजन का फेफड़ों से बाहर निकलना यह कहलाता है वाह्य श्वसन। और वाह्य श्वसन में कुछ गैसों का विनिमय होता है और इन गैसों के विनिमय से लगातार प्रश्न बना हुआ है कि कितना ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, यानी हम जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं पूरी मात्रा में उस पूरी ऑक्सीजन का कितना परसेंट हम ग्रहण करते हैं, कितना इनहेल करते हैं, कितना एक्सहेल करते हैं।
तो जब भी हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हम अपनी श्वसन क्रिया में क्या होता है, हम अपनी श्वसन क्रिया में पूरी 100% वायु ग्रहण करते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी गैसें होती हैं और इन सभी गैसों का हमारे श्वसन अंग में कोई कार्य नहीं होता, केवल ऑक्सीजन गैस को ही हम अवशोषित करते हैं। तो सबसे पहले श्वसन अंगों के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि श्वसन अंग कौन से कहां है और दोस्तों कौन किस श्वसन अंग का कौन सा कार्य होता है। देखिए, अब अगर बात की जाए श्वसन अंगों की, जो श्वसन अंग पहला वाला होता है तो इसे हम कहते हैं नासिका, अर्थात नासिका को हम नेजल कैविटी के नाम से जानते हैं। नासिका को हम नेजल कैविटी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे नासिका की, तो नासिका हमारे श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग है। और इस बात को ध्यान दीजिए, जो नासिका होती है वह उपास्थि अर्थात कार्टिलेज की बनी होती है। और उपास्थियां कैसी होती है, लचीली होती है, क्योंकि उपास्थियों में कुछ कॉन्ड्रिन प्रोटीन भरी होती है। अगर बात की जाए नासिका की, तो नासिका में छोटे छोटे बाल होते हैं और छोटे छोटे बाल क्या करते हैं, ये छोटे छोटे बाल वायु के साथ, देखिए जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो वायु में क्या होता है, जब भी हम वायु ग्रहण करेंगे तो वायु में होते हैं धूल के कण, वायु में होते हैं धुआं, धुएं के कण, वायु में क्या होते हैं जीवाणु और अन्य क्या होते हैं, अन्य गैसें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है वायु में धूल धुआं जीवाणु ये सब होते हैं। तो हमारे नासिका के अंदर उपस्थित छोटे छोटे जो बाल हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, वो रोम जीवाणुओं को, धूल के कणों को, धुओं को ये हमारे फेफड़े के अंदर जाने से रोक देते हैं। सबसे बड़ी बात, जो हमारी नासिका होती है, नासिका से म्यूकस निकलता है लगभग 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, कुछ बाहर निकलता है नाक से, कुछ अंदर पहुंच जाता है। तो ये नासिका रही। अब नासिका के जस्ट बगल में एक भाग और होता है, जिस भाग को हम कहते हैं काकलक। और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं काकलक। ये काकलक भाग होता है, बस जस्ट नासिका के ऊपर होता है। और काकलक को हम अंग्रेजी में ओयूला कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में ओयूला कहते हैं। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, ओयूला वह भाग है, जब हम देखिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन करते हैं या हम पानी पीते हैं, तो ओयूला क्या करता है, ओयूला नासिका के छिद्र को बंद कर देता है। जब नासिका का छिद्र बंद हो जाता है तो भोजन और पानी ये नाक से बाहर नहीं निकल पाता। अगर ओयूला न बंद होगा, नहीं बंद हो पाएगा, तो क्या होगा, जो भोजन रहेगा और पानी रहेगा ये नाक से बाहर चला जाएगा, ये ओयूला ऊपर की ओर लटका होता है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं काकलक। अब अगर हम काकलक के बाद की बात करें तो देखिए ये भाग क्या होता है, इस भाग को हम कहते हैं ग्रसनी, या इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या करता है, ये वायु को आगे पास करता है। और अगर हम फेरिंग्स के बाद की बात करें तो दोस्तों फेरिंग्स के बाद क्या होता है, यहां एक भाग होता है जिसे हम कंठ कहते हैं, और कंठ को हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। कंठ को हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। और स्वर यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कंठ से ही क्या होता है, आवाज निकलती है। और कंठ को हम अंग्रेजी में लेरिंग्स कहते हैं। जो ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है, ध्वनि तरंगों का निर्माण यही कंठ से ही होता है। ठीक है, कंठ से ही क्या होता है, ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है, और इसीलिए इसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ध्यान देना यहीं पर थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी उपस्थित रहती है। तो कंठ हो गया, स्वर यंत्र हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे कंठ से केवल ध्वनि तरंगे निकलती हैं, वेव निकलती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यहां से लॉन्गिट्यूडनल वेव निकलती है, जब यह तरंगे बाहर उपस्थित वायु के कण या धूल के कण इन सबसे कंपन करती है तो ध्वनि का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, ध्वनि तरंगों के द्वारा। जब ध्वनि तरंगे कंपन करती हैं माध्यमों पर, वायु में या फिर कणों पर, धूल के कणों पर, तो क्या होता है, ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है।
तो जो कंठ हमारा होता है इसी कंठ के पास से दो रास्ते होते हैं। कंठ के पास से क्या होते हैं? कंठ के पास से दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। सपोज करिए क्या है, ये कंठ है, तो कंठ से क्या होते हैं, कंठ से दो रास्ते होते हैं, एक होता है फूड पाइप और एक क्या होता है एयर पाइप। ठीक है, अब समझ लीजिए ये क्या है, फूड पाइप है और फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। ये फूड पाइप हो गई और ये क्या है, ये एयर पाइप है, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ये एयर पाइप है, तो एक हो गई फूड पाइप और एक क्या हो गई एयर पाइप, तो इसे हम कहते हैं श्वास नली अर्थात ट्रैकिया। इसे श्वास नली या ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें कंठ की, ये क्या है, कंठ है, इसे हम कंठ बोलेंगे, लैरिंग से ही होता है, ये लैरिंग है। तो देखो भाई यहां होता क्या है कि कंठ पे दो गेट होते हैं, इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एक होता है जो श्वास नली में खुलता है और एक होता है जो ग्रास नली में खुलता है, अर्थात यहीं पर जो गेट होता है इस गेट को हम क्या कहते हैं, इस गेट को हम कहते हैं एपिग्लोटिस और इसे हिंदी में हम कहते हैं कंठ छद। तो इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस या इसे हम कहते हैं कंठ छद। देखिए अब यहां जो वाल्व है इसका नाम एपिग्लोटिस है। ठीक है, अब देखो भाई जब हम भोजन या जल को निगलते हैं, और ध्यान देना क्वेश्चन बना हुआ है कि निगलना क्या कहलाता है, तो डिग्लूटिनेशन होता है। ठीक है, निगलना डिग्लूटिनेशन कहलाता है। ठीक, देखिए अब फ्रेंड्स जब हम भोजन और पानी को निगलते हैं इस कंठ से, ठीक है, जब निगलते हैं तो होता यह है कि जो हमारी फूड पाइप के ऊपर वाल्व होता है एपिग्लोटिस, ये क्या होता है, ये खुल जाता है। ठीक है, जब हम भोजन या पानी को, ध्यान देना, जब हम भोजन या पानी को निगलते हैं तो होता क्या है, उस समय क्या होता है, उस समय जो हमारे यहां वाल्व होता है ग्रास नली पर क्या होता है, खुल जाता है। तो ग्रास नली वाला वाल्व क्या होता है, खुल जाता है, और जो एयर पाइप का वाल्व क्या रहता है, बंद रहता है। अर्थात भोजन और जल निगलते समय, भोजन और जल निगलते समय फूड पाइप खुल जाती है, एयर पाइप बंद रहती है। ठीक, और जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे बोलते समय या श्वास लेते समय फूड पाइप बंद रहती है और एयर पाइप क्या होती है, खुल जाती है। तो जब हम भोजन निगलेंगे, जब निगलेंगे या पानी निगलेंगे तो फूड पाइप खुल जाएगी, एयर पाइप बंद हो जाएगी, किसके द्वारा, एपिग्लोटिस के द्वारा। और देखिए जब हम बोलते हैं या जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय एयर पाइप खुल जाती है और फूड पाइप बंद हो जाती है। और ऐसा हो जाए कि जब हम भोजन निगलते वक्त बोल देते हैं, अगर हम भोजन निगलते वक्त बोल देंगे तो क्या होगा, दोनों पाइप खुल जाएंगी। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोनों पाइप खुल जाएंगी, और जब दोनों पाइप खुल जाएंगी तो जो भोजन के कण होंगे वो कहां चले जाएंगे, एयर पाइप में, और जब ये भोजन के कण एयर पाइप में चले जाएंगे तो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से छींक आती है, तो छींक आएगी बहुत तेजी के साथ, और जब छींक आएगी तो चावल के दाने नाक से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी खाइए, कितना भी बढ़िया खाना खाइए, अगर निगलते वक्त बोल देंगे तो बहुत जोरों की छींक आएगी और खांसी आएगी और चावल के दाने क्या होंगे, नाक से बाहर निकल जाएंगे, जो खा रहे हो सब सत्यानाश हो जाएगा, अपना भी खराब करेंगे और सामने वाले का भी खराब कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भोजन निगलते समय या जल निगलते समय बोलना नहीं चाहिए। और मैंने कहा आपसे कि छींक आती है, छींक आती है 100 मील प्रति घंटा, अर्थात लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर छींक आती है तो आंखें बंद करके सब कुछ खोलना चाहिए, मतलब मुंह खोल दीजिए बढ़िया से, आंख केवल बंद कर लीजिए। जब छींक आती है, अगर हम छींकते समय नाक या मुंह बंद करें तो ब्लड निकल सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर यह भोजन का कण एयर पाइप में चला आएगा अंदर, तो आपकी मृत्यु होने से कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए छींक आती दोस्तों, ध्यान देना आप लोग। तो यह रहा आपका जो है एपिग्लोटिस। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, आगे श्वास नली है, तो श्वास नली के बारे में जान लीजिए आप लोग। ये श्वास नली है, जो श्वास नली होती है
दरअसल यह बनी होती है उपास्थियों की, और उपास्थियां बनती है कैल्शियम और फास्फोरस की बनती है। तो यह बनी होती है उपास्थियों की। ध्यान देना, शरीर में कंकाल तंत्र जब हम पढ़ेंगे उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग वाय कंकाल जो कि त्वचा के ऊपर स्थित है, एक पढ़ेंगे अंतर कंकाल इंडो स्केलेटन जो हमारे त्वचा के नीचे है। तो इसमें हड्डियां यानी अस्थियां और उपास्थियां हैं। जहां अस्थियां कठोर और मजबूत होती हैं वहीं उपास्थियां क्या होती हैं, लचीली होती हैं। अस्थियां कठोर क्यों होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसमें ऑस्टिन प्रोटीन और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। और उपास्थियां कैसी होती हैं, एक निश्चित सीमा तक लचीली होती है। और लचीली क्यों होती है, क्योंकि उनमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन और कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए तो श्वास नली क्या है, श्वास नली भी क्या है, ये उपास्थि है। देखिए कान क्या होता है, कान भी उपास्थि है, तो घूम जाता है ऐसे दबता है। नाक भी क्या उपास्थि की बनी होती है। तो श्वास नली क्या होती है, ये उपास्थि से निर्मित होती है। इसमें अर्धवलयी छल्ले होते हैं, छल्ले पूरे कंप्लीट नहीं होते, अर्धवलयी क्या होते हैं, अपूर्ण छल्ले होते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। देखो ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो इसमें जब कुछ मटेरियल आके फंस जाता है जो कि वेस्ट होता है तो हमको खांसी आती है। जब हमको खांसी आती है तो जो वलय है क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जब ये वलय सिकुड़ता है तो कफ क्या होती है, वो नासिक जो है आपका जो है मुंह से बाहर निकल जाता है। तो कफ यहीं से बनना शुरू होता है। अब हम आगे यदि बात करें, देखिए जैसे अभी वर्तमान में क्या है, ठंडी का मौसम है। अगर मैं देखूं तो तापमान कितना होगा, तापमान होगा इस समय 20 डिग्री सेल्सियस वर्तमान में। यह होता है ठंडी में, ठंडी के मौसम में। या तापमान कभी कभी इससे भी कम होता है। अगर मैं बात करूं गर्मी में तो तापमान कितना पहुंच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में। तो भाई जब तापमान बढ़ेगा तो वायु क्या होगी, वायु ठंडी गर्म होगी, ठंडी व गर्म वायु। तो वायु क्या होगी, ठंडी व गर्म होगी। और हम जानते हैं हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, शरीर का ताप ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। देखो अब अगर हम अगर ठंडी में जब वायु ठंडी होगी, अगर हम ठंडी वायु को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमारा फेफड़ा संक्रमित हो जाएगा, अर्थात निमोनिया की समस्या हो सकती है। और यदि ऐसा हो जाए कि गर्मी में हम गर्म वायु ग्रहण करें तब भी क्या होगा, फेफड़े हमारे जल जाएंगे, क्योंकि फेफड़े बहुत मुलायम होते हैं। और ध्यान देना सबसे बड़ी बात, तो भाई कौन सा ऐसा भाग है जो बाहर की वायु को शरीर के तापमान के बराबर करके तब जाकर के फेफड़े में भेजती है। तो ध्यान रखिएगा ये श्वास नली है, ठीक है। तो जो इसमें छल्ले होते हैं वो छल्ले क्या करते हैं, ये छल्ले बाहर की वायु के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर करते हैं, उसके बाद तब फेफड़े में भेजते हैं ताकि हमारे फेफड़े में कोई समस्या न उत्पन्न हो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए जो श्वास नली होती है, ये श्वास नली फेफड़े में पहुंचने के पहले दो भागों में बट गई है। तो देखिए इसमें जो दो भाग बने हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं श्वसनी, अर्थात इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये होती है ब्रोंकाई। तो अगर मैं ब्रोंकाई की बात करूं तो ब्रोंकाई भी क्या होती है, यह भी उपास्थि से ही निर्मित है, कॉर्टिलेज से ही बनी होती है। अब देखिए यह उपास्थि हो गई। अगर इसके आगे बात की जाए तो देखिए भाई जो हमारा जो ये जो श्वसनी होती है वो दाहिने फेफड़े में पहुंचने के बाद, ये राइट लंग्स है, ठीक है। तो जो श्वास नली होती है, जो श्वसनी होती है वो दाहिने फेफड़े में पहुंचने के बाद तीन किस ब्रोंकियोल, तो तीन श्वसनिका जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, इसे क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ध्यान देना कि यह जो है श्वसनी दाहिने फेफड़े में पहुंचने के बाद तीन और बाएं फेफड़े में पहुंचने के बाद दो ब्रोंकियोल के रूप में बढ़ जाती है। अब सोचना यह है कि आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर दाहिने फेफड़े में तीन भाग क्यों बना और बाएं में दो भाग क्यों बना। तो ध्यान देना मैं लिखा हूं राइट लंग्स दाहिना फेफड़ा। अब डिसाइड करना आपको कि कौन छोटा कौन बड़ा है, दाहिना बड़ा होता है।
तो दाहिना फेफड़ा क्या होता है हमारा, बड़ा होता है। तो दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है इसीलिए दाहिने फेफड़े में क्या होता है, दाहिने फेफड़े में 3 ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं और बाया क्या होता है, छोटा होता है, तो बायो में क्या होता है, 2 ब्रोंकियोल्स बने होते हैं। तो इस बात का विशेष आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आगे बात की जाए इसके बारे में, ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, ठीक। तो भाई जो दाहिना हमारा फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, तो दाहिने में 3 ब्रोंकियोल्स, बायां छोटा होता है तो बायां में 2 ब्रोंकियोल्स होते हैं। अब देखिए जो ये ब्रोंकियोल्स होते हैं, जो ये श्वसनिका होती है, फेफड़े में पहुंचने के बाद महीन महीन धागे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन महीन महीन धागों जैसी संरचनाओं को हम क्या नाम दिए हैं, इनको हम कहते हैं कूपिका, या कहते हैं वायु कोष्ठक। इसे कहते हैं कूपिका या इसे कहते हैं वायु कोष्ठक, अर्थात इसे हमने नाम दिया है एल्वियोलाई। इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसे हम वायु कोष्ठक कहते हैं और एल्वियोलाई कहते हैं। अब देखिए जो वायु कोष्ठक होते हैं इनकी संख्या करोड़ों होती है, 30 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ तक ये हमारे फेफड़े में वायु कोष्ठक होते हैं, अर्थात एल्वियोलाई होते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे क्या है, आगे है फेफड़ा, अर्थात आगे क्या है, लंग्स। तो ध्यान देना, लंग्स यानी कि फेफड़ा, इसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं, ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फुफ्फुस कहते हैं। जो हमारा फेफड़ा होता है ये लाल गुलाबी होता है, लाल होता है, लाल गुलाबी, एकदम रुईदार, बहुत सॉफ्ट। तो फेफड़ा हमारा लाल गुलाबी रुईदार मुलायम स्पंजी होता है। स्पंजी का मतलब यह है कि सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। अगर मैं फेफड़े की बात करूं तो जो फेफड़ा होता है, इस फेफड़े के ऊपर क्या होता है, इस पूरे फेफड़े के अंदर रुधिर जाल बना होता है, ठीक है। इस पूरे फेफड़े के अंदर क्या होता है, रुधिर जाल बना होता है पूरे फेफड़े में। ये क्या होता है, ब्लड मेम्ब्रेन बनी होती है और इसी में रुधिर शिराएं होती हैं और इस रुधिर शिराओं के अंदर एपिथीलियम की निर्मित एक झिल्ली होती है, ठीक है ना। ध्यान देना भाई, एपिथीलियम की निर्मित क्या होती, झिल्ली होती है। और देखिए ये झिल्ली कैसी होती है, हल्की सी पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब ये होता है कि केवल इसमें गैसें ही छन पाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केवल गैसें ही क्या होती है, छन पाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एपिथीलियम की झिल्ली होती है और यह झिल्ली बिल्कुल रुधिर जाल के पास ही होती है। और जो कूपिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, कूपिकाएं रुधिर जाल में फंसी होती हैं। अब देखिए जो एपिथीलियम की झिल्ली होती है वो रक्त शिराओं के पास सटी होती है। अब कूपिकाएं क्या होती हैं, कूपिकाएं ये जो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, ब्लड मेम्ब्रेन, उसमें फंसी होती हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो कूपिकाएं होती हैं ये रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, कूपिकाएं रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं। और देखिए जो एपिथीलियम की झिल्ली होती है वो ऐसी झिल्ली होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकल जाता है। और जो हमारी कूपिकाएं होती हैं वो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्रहण की गई ऑक्सीजन को उस एपिथीलियम की झिल्ली से पार करके रुधिर में, मतलब कहां पर, कोशिकाओं में, या हम कहें ब्लड में भेज देती हैं। तो ब्लड में भेजती हैं और ब्लड से वह ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड से वह ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंच जाता है और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों यह रहा हमारा फेफड़ा। और जो सामान्य मनुष्य का फेफड़ा होता है फ्रेंड्स, सामान्य मनुष्य का फेफड़ा लगभग 6 से 7 लीटर वायु को, कितनी अगर हम एग्जैक्ट बताएं तो ध्यान देना, अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो फेफड़े में क्या होता है, जो क्षमता होती है, फेफड़े की क्षमता कितनी होती है, फेफड़े की क्षमता वायु ग्रहण करने की, तो फेफड़ों की क्षमता जो होती है वो होती है 5800 ml, ये होती है इतना एक वयस्क मनुष्य में।
तो इसको हम 6 ml भी कह सकते हैं, 6 लीटर भी कह सकते हैं, इसको हम 6 लीटर से 8 तक बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है, 5,800 ml तक हमारा फेफड़ा वायु को ग्रहण कर सकता है। बाकी हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि जो हमारा फेफड़ा, जो हमारी गैसें होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं गैसों की, सो फ्रेंड्स इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे कि मैंने बताया था कि आपको 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन हो सकती है, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले ब्लड वाले चैप्टर में। तो अभी हालांकि मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे क्या होता है। सो फ्रेंड देखिए, अब ये हमने क्या पढ़ा, जो हमने फेफड़ा पढ़ लिया है, फेफड़े के बाद जो अगला भाग है, और हाँ अगर ये पॉइंट आप देखिए इसमें होता क्या है, पहले क्या है ब्लड मेम्ब्रेन है, और ब्लड मेम्ब्रेन में एल्बुलाई फंस जाती है, और ब्लड मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर ही एक पतली एपिथीलियम की झिल्ली होती है, उसी एपिथीलियम की झिल्ली से वायु आगे पीछे होती है। अगर बात की जाए इस भाग की, तो इस भाग को हम डायाफ्राम कहते हैं, या इस भाग को हम कहते हैं मध्य छद। तो अगर बात यह रही कि डायाफ्राम का क्या कार्य होता है, तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो डायाफ्राम होता है वह हमारे वक्ष को अर्थात सीने को उदर यानी पेट से अलग करता है, तो यह बीच में रहता है बिल्कुल इस प्रकार से। और सबसे विशेष बात यह है कि जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, तो जब बच्चा बड़ा होता है गर्भ के अंदर, तो उसको स्थान चाहिए होता है, तो वह ऊपर चढ़ता है, लेकिन यह डायाफ्राम बीच में होता है तो उस बच्चे को ऊपर आने से रोकता है, ठीक है। तो इसका पहला कार्य हो गया। अब दूसरा कार्य होता है डायाफ्राम का, कि जब हमारे फेफड़े वायु ग्रहण करते हैं तो फैलते हैं, जब हमारे फेफड़े फैलते हैं तो डायाफ्राम का आकार ऐसे नहीं होता, बल्कि डायाफ्राम का आकार कुछ इस प्रकार हो जाता है ऐसा। लेकिन जब हमारे फेफड़े वायु को बाहर निकालते हैं तो डायाफ्राम क्या होता है, तो उस समय डायाफ्राम का आकार ऐसा हो जाता है, यानी कि यह हमारे फेफड़े को आवश्यक वायु प्रदान के, मतलब वायु ग्रहण करने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करता है। तो यह कार्य किसका होता है, यह कार्य होता है फेफड़े का। अगर मैं बात करूं आपसे कि वायु कैसे कैसे पहुंचती है, अगर इस विषय पर बात की जाए, तो दोस्तों जो वायु होती है, वायु सबसे पहले वायु कहां पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है नासिका यानी कि नेजल कैविटी में, ठीक। उसके बाद पहुंचती है नासा गुहा में, जिसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल, तो नासा गुहा में अर्थात नोस्ट्रिल में। अब इसके बाद जो वायु होती है ये कहां पहुंचती, इसके बाद वायु पहुंचती है ग्रसनी में यानी फेरिंग्स में, फिर पहुंचती है स्वरयंत्र में, अर्थात वायु अब कहां पहुंचती है, अब वायु पहुंचती है कंठ के पास। उसके बाद फ्रेंड्स वायु कहां पहुंचेगी, अब देखिए फिर पहुंचती है वायु श्वास नली में, श्वास नली में पहुंचती है, और इसके बाद वायु पहुंचती है श्वसनी में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद वायु पहुंचती है आगे ब्रोंकियोल में अर्थात श्वसनिका में। अब जो वायु होती है यह पहुंचती है वायु कोष्ठक अर्थात एल्बुलाई में, एंड फ्रेंड्स एल्बुलाई से वायु कहां पहुंचती है, यह पहुंचती है रुधिर में, और इसके बाद पहुंचती है कोशिका में, एंड फ्रेंड कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, अभिक्रिया होगी, जिसके बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए वायु का गमन इस प्रकार से होता है, वायु इस प्रकार से संचरण करती है। अगर आगे बात की जाए कि श्वसन क्या है, किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहां से बन सकते हैं, हम सारे पॉइंट्स पर क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे आप लोगों से। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण कहां होता है, तो ध्यान देना जो श्वसन क्रिया होती है अनैच्छिक क्रिया होती है, हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, चाहे श्वसन क्रिया हो या हार्ट बीट हो यानी कि हृदय गति हो, या पलके झपकना, छींक आना, पाचन क्रिया, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं हमारे
तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क दोस्तों, अर्थात जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के मेडुला अबलांगेटा, मेडुला अबलांगेटा में श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। और श्वास को मापने वाली मशीन कौन सी होती है, आपने सुना होगा स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो श्वास को मापता है, क्या करता है, श्वास को मापता है, यह श्वास मापता है। अगर हम इस अगर इस स्पायरोमीटर की बात करें, श्वास के मापन की बात करें, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रति एक मिनट में लगभग 250 ml, ठीक, क्या होता है कि हर प्रति एक मिनट के अंदर 250 ml ऑक्सीजन प्रति मिनट क्या करते हैं हम लोग अंदर लेते हैं, और 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं प्रति मिनट, इसको हम बाहर करते हैं। और ध्यान देना, अगर मैं श्वसन की बात करूं तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के अंदर, एक वयस्क मनुष्य जो होता है, वयस्क मनुष्य 14 से लेकर के 18 बार प्रति मिनट क्या होता है श्वास ग्रहण करता है, और जब हम सोते हैं तो यह दर क्या होती है और कम हो जाती है। और अगर बात की जाए शिशु की, तो शिशु के अंदर क्या होता है, शिशु में 28 बार प्रति मिनट क्या होता है श्वसन क्रिया होती है। तो शिशुओं में 28 बार और वयस्क में कितनी होती है, 14 से 18 बार श्वसन क्रिया संपन्न हो पाती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं श्वसन अंगों की, अगर श्वसन अंगों की बात की जाए तो अलग अलग जीव में क्या होता है, श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बात की जाए इंसेक्टा की, तो ध्यान देना, पूछा गया है कि श्वास नाल यानी कि ट्रैकिया से श्वसन करने वाले जीवधारी कौन से होते हैं, ध्यान देना भाई, इसमें जो ऑप्शन था वो क्या था, ऑप्शन था तिल चट्टा। और हम जानते हैं कि ये ग्रास हॉपर है, और ग्रास हॉपर किस क्लास का है, तो क्लास इंसेक्टा का है, ये कीट वर्ग का है। तो हम कह सकते हैं जो कीट होते हैं वो मैक्सिमम जो कीट है उनका श्वसन अंग क्या होता है, श्वास नाल होता है। और देखिए इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो भाग है वो होता है गलफड़ा। तो गलफड़ा क्या होता है, गलफड़ा को हम गिल्स कहते हैं, इसे गिल्स कहते हैं। और मछली में क्या होता है, मछली में श्वसन अंग क्या होता है, उसका गिल्स यानी गलफड़ा होता है। अगर बात की जाए त्वचा की, त्वचा यानी कि क्लोम की, अगर हम इसकी बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, त्वचा और क्लोम यह होता है मेंढक यानी उभयचर में। तो मेंढक क्या होता है, या फिर केचुआ, ठीक है ना, तो मेंढक और उभयचर में क्या होता है श्वसन अंग, उनका क्या होता है क्लोम या त्वचा होती है। और यदि बात की जाए फेफड़े की, कि फेफड़ा श्वसन अंग किस में होता है, तो भाई ध्यान देना, जितने भी स्तनधारी हैं या जितने भी रेप्टाइल्स हैं रेंगने वाले, ठीक है दोस्तों, जितनी भी पक्षियां हैं, इन सब में क्या होता है श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। तो मनुष्य हो या फिर कोई जंतु बड़ा सा हो, शेर बाघ हो, या ध्यान देना आप लोग डॉल्फिन मछली, या फिर आपका जो आपका ये मछली होती है व्हेल शार्क, व्हेल मछली होती है, तो व्हेल में भी क्या होता है श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। लेकिन अन्य जो मछलियां होती है उनमें क्या होता है गलफड़ा होता है। ये तो रही श्वसन अंग की बात। अगर हम बात करें कि श्वसन कितने प्रकार से संपन्न होता है, तो श्वसन क्रिया होती है दो प्रकार की। श्वसन क्रिया कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है वाय श्वसन, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक होता है आंतरिक श्वसन, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन इसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो भाई दोनों में क्या होता है, दोनों में क्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो दोनों में क्या होता है, क्रियाएं अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करें वाय श्वसन की, तो दोस्तों ध्यान देना कि फेफड़े के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचना और फेफड़े से सॉरी फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का पहुंचना और फेफड़े से ऑक्सीजन का बाहर निकलना ये क्या कहलाता है, वायु श्वसन कहलाता है। और वायु श्वसन में होता है श्वाच्छोश्वास। अगर आप इसको पहली बार सुन रहे होंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। श्वाच्छोश्वास क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। देखो, निश्चित मात्रा में फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का पहुंचना और निश्चित मात्रा में ही फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यह ब्रीदिंग कहलाता है, श्वाच्छोश्वास कहलाता है। और फेफड़ों में ऑक्सीजन का पहुंचना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यह होता है वायु श्वसन। और ध्यान देना भाई, वायु श्वसन में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है गैसीय विनिमय, इसमें होता है गैसीय विनिमय अर्थात एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, इनमें होता है गैसीय विनिमय। और यदि मैं गैसीय विनिमय की बात करूं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस की बात करें, तो भाई देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100% श्वास ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग 100% क्या होता है, वायु ग्रहण करते हैं। तो 100% वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो क्या हमारा श्वसन अंग इन सारी वायु को एक्सेप्ट करता है? भाई अगर बात करें नाइट्रोजन की तो 78%, कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03%, इसके अलावा ऑक्सीजन की तो कितना होता है, ये होता है आपका 21%। तो क्या हमारा फेफड़ा इन सबको एक्सेप्ट करता है, वही देखना बाकी है। तो इसको कहते हैं गैसीय विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर मैं बात करूं टोटल अमाउंट ऑफ गैसेस, अगर यहां बात करें टोटल अमाउंट ऑफ गैस, टोटल अमाउंट ऑफ गैस, और यहां बात करूं मैं अगर इनहेल की और यहां बात करूं अगर एक्सहेल की, तो ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या होता है, बाहर करना, इसका मतलब होता है अंदर करना। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो ये कितनी होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है 78%। तो हम इस पूरी वायु क्या करते हैं, ग्रहण तो करते हैं, लेकिन कितना इसको हमारा फेफड़ा एब्जॉर्ब करता है, 0%। यानी हम 78% नाइट्रोजन क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, इसका हमारी बॉडी में कोई कार्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो भाई ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। इस 21% ऑक्सीजन का केवल 4% ही हम क्या करते हैं, हमारा फेफड़ा ग्रहण करता है, बाकी 17% क्या करता है, ये वापस कर देता है। और यदि मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये होता है 0.03%, लेकिन जब हम इसको बाहर करते हैं, ग्रहण तो करते हैं कितना परसेंट, 0%, लेकिन जब बाहर करते हैं तो कितना करते हैं, 4%। अब ये 4% कहां से आई, ध्यान देना भाई, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कितना ग्रहण किया ऑक्सीजन को, केवल 4%, 17% बाहर कर दिया। और क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड 0% ग्रहण किया, कितना बाहर निकला, 4%। अब ये 4% कहां से बना, देखिए हमारी पाचन क्रियाएं होती हैं, श्वसन क्रियाएं होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, तो इन सबसे क्या होता है, इन सबसे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाता है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं दोस्तों आंतरिक श्वसन की, तो ध्यान देना, आंतरिक का मतलब होता है, तो आंतरिक का मतलब होता है कि फेफड़ों में, देखिए अब आंतरिक का मतलब क्या होता है, आंतरिक इसको हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन, ध्यान देना, इसको हम कोशिकीय भी बोलते हैं। तो आंतरिक का मतलब होता है रक्त के अंदर, ठीक है ना, रुधिर के अंदर ऑक्सीजन का पहुंचना। जैसे मान ली क्या है, अब ये ब्लड है, ब्लड है, ठीक है ना, तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का पहुंचना और रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का रुधिर में पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर से बाहर निकलना, यह कहलाता है आंतरिक श्वसन। तो ध्यान देना, आंतरिक श्वसन के लिए रुधिर परम आवश्यक है, परंतु हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें बिना ब्लड के ही आंतरिक श्वसन क्रिया हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इनमें क्या होता है दोस्तों, तो इनमें होता है, इनमें बहुत महत्वपूर्ण क्रिया संपन्न होती है, जिसका नाम क्या है, गैसीय ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, या गैसों का परिवहन, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तो गैसों का परिवहन। तो अगर मैं आपसे गैसों के परिवहन की बात करूं, तो भाई देखिए दो गैसें होती हैं, एक होता है ऑक्सीजन का
रक्त में मिलना, ठीक है, एक ये होता है। और फ्रेंड्स एक क्या होता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से बाहर निकलना। तो दो क्रियाएं होती हैं। अब ये दोनों क्रियाएं किन पदार्थों से होती हैं हमको ये जानना है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, प्लाज्मा होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, तो बहुत सारे तत्व होते हैं, इनकी बात हमें करनी है। तो अगर हम पहली बात करें कि ऑक्सीजन का रक्त में मिलना ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान देना आप लोग। तो फ्रेंड्स ये कैसे होता, देखिए अगर हमारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो फ्रेंड्स अगर हमारे बॉडी में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो कितने ऑक्सीजन को बांधता है, हम पढ़ चुके हैं। 1 ग्राम जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम HB क्या करता है, ये 1.34 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, बांधता है। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, विशेष रूप से, क्योंकि यह पूछ सकता है अगर 100 ग्राम रुधिर है, अगर 100 ml ब्लड है तो क्या करता है, लगभग लगभग वह 20 ml ऑक्सीजन को बांधता है। अब देखिए, अब यहां जो ऑक्सीजन का रक्त में मिलना, तो ये कैसे होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू 97%। ये होता है हीमोग्लोबिन थ्रू कितना होगा, 97%। और प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू कितना होता है, ओनली 3%। और अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, तो ध्यान देना बाइकार्बोनेट एक कंपाउंड बनता है हमारे ब्लड के अंदर, तो HCO3 अर्थात बाइकार्बोनेट, इससे क्या होता है, इससे 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से बाहर निकल जाती है। और हीमोग्लोबिन इसके थ्रू 23%, और प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू हम कुल 7% कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर से बाहर पहुंचाते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया यह भी होती है, ध्यान देना आप लोग, आंतरिक और बाह्य। और मैं अगर अगली प्रक्रिया की बात करूं, तो श्वसन की अगली जो प्रक्रिया होती है ऑक्सी और अनॉक्सी, तो जरा आइए इसके बाद हम ऑक्सी और अनॉक्सी की बात कर लेते हैं कि क्या है ऑक्सी क्या है अनॉक्सी। तो फ्रेंड्स क्या है ऑक्सी और क्या है अनॉक्सी, इसकी बातें हमें करनी है। तो श्वसन प्रक्रिया दो प्रकार की और होती है फ्रेंड्स, एक क्या होती है अनॉक्सी श्वसन, इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एक होती है ऑक्सी श्वसन। तो फ्रेंड इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक होता है अनॉक्सी, ध्यान देना इसमें दो क्रियाएं होती है, पहली होती है ग्लाइकोलिसिस, इसमें क्या होती है, इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे अच्छी तरह से। और क्या होता है, इसी में होता है क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है क्रेब साइकिल होता है, तो इसके बारे में बात करनी है। देखिए अगर मैं बात करूं अनॉक्सी श्वसन की, तो दोस्तों अनॉक्सी श्वसन में, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन लगभग 12 एंजाइमों की सहायता से होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन के बाद एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक, पहले तो मिलता है पायरुविक अम्ल, ध्यान देना, और पायरुविक अम्ल जो बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है उसके बाद एथिल एल्कोहल, ये कुछ इष्ट और जीवाणुओं में होता है। और एथिल एल्कोहल क्या होता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो जब एथिल एल्कोहल लैक्टिक अम्ल में बदलता है, तो ध्यान रहे लैक्टिक अम्ल जब हमारे मांसपेशियों में जम जाता है, तो हमें थकान का अनुभव होता है, क्योंकि जब हम दौड़ेंगे और वायु ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा अनॉक्सी श्वसन। तो अनॉक्सन क्या होता है, इस श्वसन प्रक्रिया में हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो क्या होता है, थकान का अनुभव में होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, तो पूछा गया है क्वेश्चन कि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो कुल मिलती है 4 ATP, लेकिन 4 ATP में से 2 ATP ऊर्जा इस क्रिया में ग्लाइकोलिसिस में क्या होती है,
खत्म हो जाती है और बचती कितनी है, तो 2 ATP। आपका आंसर क्या होगा, 2 ATP। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें C6H12O6, ठीक है, होता क्या है, तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 210 किलो जूल ऊर्जा। तो दोस्तों देखिए यहां पे क्या प्राप्त हुआ, यहां प्राप्त हुआ हमें एथिल एल्कोहल, यहां क्या प्राप्त हुआ, यहां प्राप्त हुआ एथिल एल्कोहल। अब होता यह है कि यही एथिल एल्कोहल आगे चल क्या बनता है, आगे C6H12O6 प्लस 2C3H6O3 प्लस 3 प्लस 150 किलो जूल एनर्जी। तो दोस्तों इसके हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। तो यही देखिए, जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो क्या होता है, थकान का अनुभव हमें होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए इस बात को। और अगर मैं बात करता हूं अनाक्षी श्वसन की, तो ध्यान दीजिएगा, जो अनाक्षी श्वसन प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हमारे कोशिकाओं की माइटोकांड्रिया में होती है, और इस प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, और ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन के बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अपने सभी कार्यों को करने में करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ऑक्सी श्वसन। सो फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसमें C6H12O6 प्लस 6O2, इसके बाद फ्रेंड्स क्या बनेगा, यहां पर यहां बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 किलो जूल या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, या इसे हम कहते हैं यहां 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी यहां पे 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यही होती है हमारी संपूर्ण श्वसन क्रिया। और देखिए श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ रोग होते हैं, जैसे मान लीजिए पूछता है कि फुफ्फुस, यानी फुफ्फुस कैंसर क्या होता है, फुफ्फुस धूलिमयता क्या होती है, या यहां बनता है क्वेश्चन की निमोनिया कैसे होता है, फुफ्फुस शोथ कैसे होता है, तो बहुत सारी बीमारियां, डिफ्थीरिया कैसे होता है, टीबी में कैसा प्रभाव होता है, क्षय रोग में, क्षय रोग के बारे में, तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बनेगा। आप ऐसे ही आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको करना क्या है, स्क्रॉलिंग हो रहे नंबर पर आपको फोन करना है, और खंड शिक्षा अधिकारी के से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको हमारे काउंसलर लगभग 9 बजे से रात में 6-7 बजे तक बिल्कुल तत्पर है, तो आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को, जय हिंद जय भारत।